हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह तो हो गई है पूजा से, और आज का व्लॉग आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ख़ास करके मदर्स के लिए। आज जो मैं चीज़ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही स्पेशल चीज़ है। मैं अधिकतर ये काम करती हूँ और आपको भी करना चाहिए। तुम्हें व्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं कभी भी जल्दी आपसे ये नहीं कहती हूँ कि मेरे व्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर आया था बाहर से नाश्ता, तो ये देखिए, ये है गर्मा गर्म खस्ते। जी हाँ, बरसात हो रही थी मॉर्निंग में, तो मेरा मन हो गया खस्ते खाने का, तो मैंने कहा कि गर्मा गर्म खस्ते का नाश्ता करते हैं। और किसे गर्मा गर्म खस्ते का नाश्ता पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग जो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये लाइफ में मुझे भी इंक्लूड करना चाहिए ये सब चीज़ें, जिससे आपका जो है दिन भी अच्छा हो, साथ में जो आपकी फैमिली के साथ बाउंडिंग है या फैमिली के साथ चीज़ें आप स्पेंड करते हो वो ज़रूर करनी चाहिए। एक बार बता दूँ कि हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आपको बाहर से नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, जिस दिन हॉलीडे हो, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि सारी फैमिली जो होती है आराम से बैठ के नाश्ता करती है, साथ में थोड़ा स्पेंड करते हैं आप भी टाइम, और आपको किचन से फ्री हो जाती हो, तो ये काम ज़रूर करना। आज बहुत दिनों बाद मैं जा रही हूँ करने खस्ते और जलेबी का नाश्ता। बहुत दिनों बाद, लखनऊ का मौसम भी अच्छा था तो इस मौसम में मन हुआ कि खस्ता और जलेबी खाते हैं। सुबह बारिश हुई थी, और इस समय तो नहीं हो रही है, मगर सुबह बारिश हुई थी तो मेरा मन हो रहा था खस्ता जलेबी खाने का। तो अपने यहाँ जो कहते हैं ना कॉलोनी, या मतलब कि जो फेमस जगह है, वहाँ से ही मंगवाया, घर के पास से ही मंगवाया है। मगर बहुत देखने में तो अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करने जा रही हूँ कि कैसा है। जहाँ से मंगवाते थे वो काफ़ी दूर था, अगर मैंने कहा इस बार यहाँ से मंगवाते हैं, तो चलिए खाते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं, ठीक है, अच्छा है। कैसा लगा तुझे? अच्छा लग रहा है। सब लोग नाश्ता कर चुके थे और मैं बैठकर बहुत ही रिलैक्स होकर नाश्ता कर रही थी, क्योंकि मुझे आज किचन में नहीं जाना था, साथ में मेरे पास बहुत सारा टाइम था कुछ चीज़ें आइडियाज़ सोचने के लिए, कि माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे कि मुझे क्या क्या करना है आज के दिन, आज क्या डिनर बनाना है, आपके कमेंट्स पढ़ने, उनके आंसर देने हैं, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर तेजस मुझे स्टोरी रीड करके सुना रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। वीक में एक बार हम लोग ऐसा टाइम ज़रूर स्पेंड करते हैं, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, या वीक में तेजस की कोई भी छुट्टी हो, हॉलीडे हो, ये काम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चों की रीडिंग भी अच्छी होती है, साथ में वो हमें एक्सप्लेन करते हैं, नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं स्टोरी बुक से। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनको आपके टाइम की ज़रूरत होती है, तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ वीक में एक बार। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ खाना बना दिया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। तो तेजस ने मुझे स्टोरी सुना दी थी, शाम का समय था तो मैंने सोचा कि उसको नाश्ता देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो शाम का नाश्ता उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो सो रहा था तो मैंने सोचा कि फटाफट बनाते हैं सैंडविच, सिंपल से आलू के सैंडविच मैं बना रही हूँ, और मैंने चाय पी ली है शाम की, क्योंकि आज मुझे अकेले ही चाय पीनी थी, तेजस चाय पीते नहीं हैं और तेजस जो है सो रहे थे। जब तक मेरा सैंडविच बनेगा फिर उसके बाद मैं तेजस को जाकर जगाऊंगी। तो हमारा सैंडविच तैयार हो गया है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी, क्योंकि मुझे कोई भी काम नहीं करना था दिन में, और शाम का ही नाश्ता और रात का डिनर मुझे तैयार करना था, क्योंकि खस्ते हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे, और मैंने सोचा था कि जिसको भूख लगेगी वो जो है सैंडविच मैं उसको बना दूँगी।
तो सैंडविच मैंने बना दिया है, तेजस नाश्ता कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। मेरे ख्याल से 4:30 या 5:30 बज रहा होगा, तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ, डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाता है, क्योंकि कल तेजस को स्कूल भी जाना था। और आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ बना रही हूँ। ये जो पी मैं आज बना रही हूँ, इसकी रेसिपी आपको कल देखने को मिलेगी। रिक्वेस्टेड वीडियो है रेसिपी का, वो आपको कल देखने को मिलेगा। आज के व्लॉग में शेयर कर देती तो बहुत ही लेंथी व्लॉग हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। तो ये है आज की रेसिपी, वेज बिरयानी, चटनी, अनियन और ग्रेवी, बिल्कुल बाहर की तरह। रात के 2 बजे मैं खाना खा रही हूँ। आपको पता है क्यों खा रही हूँ? उसकी वजह मैं बताऊँगी आपको। पहले खाना खा लेते हैं जो बनाया था, वेज बिरयानी। और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, मुझे नींद आ रही थी। मैं व्लॉग, मुझे याद ही नहीं था कि मेरा व्लॉग भी स्टार्ट है। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि रात के 2 बजे क्यों खा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत लेट में आए थे, इसलिए 2 बजे रात को मैं खाना खा रही हूँ। तो ये है आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिए।